राजस्थान में कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सालों से जारी तकरार पर अब शायद अंतिम फैसले का वक्त आ गया है। राजस्थान में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई फिर से खुलकर सार्वजनिक होना कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। पिछले चुनाव के समय राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट पार्टी सीएम अशोक गहलोत को एक बार फिर तेवर दिखा रहे हैं। सचिन पायलट ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसके चलते सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक की 5 दिवसीय जनसंघर्ष यात्रा निकाली। इस दौरान सचिन पायलट के नेतृत्व में निकाली गई जनसंघर्ष यात्रा में समर्थकों का भारी हुजूम देखने को मिला। सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है। पायलट की इस यात्रा को राजस्थान कांग्रेस ने निजी यात्रा बताकर किनारा कर लिया है। वहीं सचिन पायलट ने पद यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित किया और कहा कि वह राज्य में लोगों के समर्थन से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। हमने हमेशा मुद्दों की बात की है, जबान पर हमेशा मैंने लगाम रखा है और कभी संयम नहीं खोया। मुझे लोगों ने बहुत कुछ कहा, मुझे लोगों ने क्या क्या नहीं कहा मालूम है आप लोगों को? मेरे जबान से कभी कोई बुरा शब्द निकला किसी के, लेकिन गलत भाषा ना बोलना इसका ये मतलब नहीं है कि हम में स्वाभिमान की कमी है। और जब हमने मुद्दों को उठाया, करप्शन के मुद्दों को उठाया, और मैं चाहता था एक पारदर्शी तरीके से जांच हो, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकला, लेकिन जिन लोगों को डर लग रहा था वो दूध और पानी छोड़ के दूध और नींबू की बात कर रहे थे। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि कार्रवाई होने वाली नहीं है। सचिन पायलट की यात्रा का आज दूसरा दिन है। बता दें कि अजमेर से शुरू हुई पायलट की जनसंघर्ष यात्रा जयपुर पहुंचकर संपन्न होगी। जनसंघर्ष यात्रा के दौरान सचिन ने अपने समर्थकों को साफ संदेश दिया है कि आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना है। मेरा सबसे घोर विरोधी भी होगा वो हम पर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन राजनीति है। अभी तो ये आरोप लगे हम सड़कों पर निकले हैं, ना जाने और क्या क्या आरोप लगाएंगे। मुझ पर लगाएंगे, साथियों पर लगाएंगे, नदी के ऊपर लगाएंगे, मुझ पर कितने नीचे से नीचे आरोप लगा लो, लेकिन मैं जनता के लिए संघर्ष करता रहा हूँ। फिलहाल सचिन पायलट की 5 दिवसीय यात्रा को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है, लेकिन उनकी इस यात्रा पर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व शांत दिख रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट को एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से समझौते का फार्मूला दिया जा सकता है। अब ऐसे मानते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।